नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों का कृषि श्रद्धा चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत ही पैथल पोस्ट डिजाइन लेकर के आई हूँ। बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, बनाने में भी आसान है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉट लगा करके चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चेन लेकर के पहला वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा फ्रेंड्स। 2, 3, 4, 5। इसी तरह से टोटल इसमें 20 डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से टोटल 20 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गया। इसको थर्ड वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 1, 2, 3 चेन 1 डबल क्रोशिया होगा फ्रेंड्स, 1 चेन गैप के लिए। और नेक्स्ट चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन का गैप देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन का गैप देंगे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 1 चेन का गैप देते हुए पूरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से टोटल यह राउंड कंप्लीट हुआ। टोटल 20 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुआ 1 चेन को लेते हुए फ्रेंड्स। इसी तरह से 1, 2, 3 या थर्ड वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद व्हाइट कलर लगाएंगे, जहाँ से यह बंद कैप से इसी के ऊपर से ज्वाइंट करेंगे व्हाइट कलर को। आप 1, 2, 3 चेन लेंगे और सेम चेन में डालते हुए 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन का गैप देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 डबल क्रोशिया और बना देंगे, 2 डबल क्रोशिया फ्रेंड्स। 1 चेन का गैप देंगे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन का गैप नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। 1 चेन लेते हुए थर्ड वाला चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। यहीं पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 डबल सेम चेन में 1 डबल क्रोशिया और बना देंगे फ्रेंड्स। तो टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। नीचे यहाँ 2 डबल क्रोशिया था, ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गया। 1 चेन का गैप देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और बना देंगे, 3 हो गया 1 चेन का गैप। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 1 चेन लेते हुए थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे,
नेक्स्ट के ऊपर टोटल यह थ्री डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया। यहाँ पर टू चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर थ्री डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया। फिर से टू चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। करके दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर वन टू या थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिचेस को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए वन डबल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया। यहाँ पर वन टू थ्री चेन का गैप देंगे, अभी टू चेन का गैप दिया था, फिर इस राउंड में थ्री चेन का गैप देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री चेन का गैप। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। थ्री चेन लेते हैं, बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर थर्ड वाला वन टू थ्री या थर्ड वाला चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर थ्री चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया, टोटल थ्री डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर वन चेन था, फिर नेक्स्ट में टू चेन, यहाँ थ्री चेन हो गया। यहाँ पर आप फोर चेन लेंगे, टू थ्री फोर चेन लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू थ्री फोर चेन। इसी तरह से फ्रेंड्स चार राउंड और बना के दिखाते। टोटल वन टू थ्री फोर फाइव लाइन, फाइव राउंड चल रहा है, तीन राउंड और, टोटल एट राउंड बना के इसी तरह हर राउंड में एक एक चेन ये बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स से दिखाते हैं बना करके। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। यह सेवन चेन लेकर के वन टू थ्री थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। वन टू थ्री चेन लेंगे, टोटल ये फ्रेंड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लाइन हुआ और यहाँ पर चेन यह सेवन चेन बना है फ्रेंड्स। इसे आप बड़ा बनाना चाहे तो इससे और बड़ा भी आप बना सकते हैं, लेकिन हर लाइन में एक एक चेन बढ़ते जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अब चेंज होगा डिजाइन। तो यहाँ से वन थ्री चेन ले लिया, वन डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर थ्री डबल क्रोशिया हो गया। और यहाँ पर सेवन चेन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेकर के वन टू थ्री या फोर्थ वाला चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री चेन लेकर के यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ थ्री डबल क्रोशिया है तो थ्री डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेकर के वन टू या थर्ड फोर्थ वाला चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री चेन लेकर के फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यह राउंड चलेगा। पूरे राउंड में कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में
डबल कुर्सियाँ बना देंगे। नेक्स्ट चेन में एक और डबल कुर्सिया, थ्री डबल कुर्सिया के ऊपर थ्री डबल कुर्सिया हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर वन चेन का गैप देंगे और ये जो सिंगल कुर्सिया जो बनाए थे इसके बीच में वन टू डबल क्रोशिया, वन चेन और टू डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से वन चेन का गैप देंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। आप वन चेन का गैप देंगे और नेक्स्ट इसमें सेम रिपीट करेंगे, दो डबल क्रोशिया, वन चेन और टू डबल क्रोशिया, वन चेन और सेम रिपीट करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। फिर इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। वन चेन लेते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे थर्ड वाला चेन में, वन टू थ्री चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर थ्री डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पर वन चेन लेंगे और इस गैप में टू डबल क्रोशिया, टू चेन और टू डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वन चेन का गैप देंगे और थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर थ्री डबल क्रोशिया, यहाँ पर वन चेन का गैप इस गैप में डालते हुए टू डबल क्रोशिया, टू चेन, टू डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। देखिए फिर इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। वन टू थ्री थर्ड वाला चेन में इसको स्लिप स्टिच से जो जॉइंट कर देंगे। आप वन टू थ्री चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया। यहाँ पर आप टू चेन लेंगे और यहाँ पर वन टू थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशिया। टू चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशिया। टू चेन, यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, सेम उसी तरफ से रिपीट होते जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर टू चेन और यहाँ पर अब पहले थ्री डबल क्रोशिया बना था, अब यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया बनेगा। टू थ्री फोर डबल क्रोशिया, टू थ्री चेन और फोर डबल क्रोशिया। थ्री फोर डबल क्रोशिया, यहाँ पर टू चेन का गैप देंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे।
फिर यहाँ पर टू चेन लेंगे और यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया, थ्री फोर डबल क्रोशिया, थ्री चेन, फोर डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स यह राउंड रिपीट करेंगे और नेक्स्ट राउंड में भी फोर डबल क्रोशिया, थ्री चेन और फोर डबल क्रोशिया और यहाँ टू चेन का ही गैप देंगे। इसी तरह से दो राउंड बना करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दो राउंड बना करके कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ भी वन टू थ्री फोर डबल क्रोशिया थ्री चेन है और यहाँ भी फोर डबल क्रोशिया थ्री चेन है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर जैसे थ्री डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर वन टू, यहाँ पर टू चेन लेते थे अब यहाँ पर थ्री चेन लेंगे और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर चेन लेंगे और फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया। यहाँ पर थ्री चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन, और फाइव डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया, फोर चेन, थ्री फोर चेन और फाइव डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से यह राउंड को कंप्लीट करेंगे। फोर फाइव थ्री चेन लेकर के यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से फिर दो राउंड और फाइव डबल क्रोशिया फोर चेन का बनाएंगे। एक राउंड चल रहा है, एक राउंड और बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर दिया, वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। फिर इससे बड़ा भी और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ का चेन बढ़ा देना है और लाइन जैसे यहाँ फाइव डबल क्रोशिया तो ऊपर में सिक्स डबल क्रोशिया का दो राउंड और चला दीजिए। इसी तरह से फ्रेंड्स आप और बड़ा बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दो राउंड हम रेड कलर से यहाँ बनाए हैं तो रेड कलर से ऊपर में भी दो राउंड बनाएंगे। तो यहीं से हम ज्वाइंट करेंगे रेड कलर को, थ्री चेन लेकर के नेक्स्ट वाला में डबल क्रोशिया बना देंगे। ये दोनों धागे को भी साथ में ले लेंगे। नेक्स्ट में भी वन डबल क्रोशिया, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव चेन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डबल क्रोशिया हो गया, टू थ्री फोर फाइव फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। टू थ्री फोर फाइव चेन, सिक्स डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव चेन और यहाँ डबल क्रोशिया। इसी तरह से दो राउंड और बना के कंप्लीट करेंगे, सिक्स डबल क्रोशिया फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया और यहाँ यहाँ फाइव चेन लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से दो राउंड बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यह देखिए इस तरह से यह राउंड बनकर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से यह डिज़ाइन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अगर यह डिज़ाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।